आने के लिए देखना पड़ेगा कि क्या क्या स्कोर्स चाहिए उसको काम करने के लिए। अच्छा वो देखना पड़ेगा सही है नहीं है, गड्ढा में जा रहे हैं गड्ढा में कुछ है क्या खतरा वाला कोई सामान तो नहीं है, देख के जाना पड़ेगा। तो शाम को अगर काम कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग का 5 बजे तक का परमिट मिला है। अगर कोई काम है बचा हुआ काम अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है 4 बजे हम लोग को मतलब हमको इन्फॉर्म कर दीजिए, हम सेफ्टी दल को जाके बात करेंगे कि हमारा काम जो है थोड़ा फंसा हुआ है, थोड़ा आधा घंटा एक घंटा ऐसे लगेगा तो हम जाके परमिट मांगेंगे बात करेंगे सेफ्टी दल से तो परमिट देंगे तो फिर उसका काम करेंगे। और दूसरा काम है हम लोग का पाइपलाइन का भी रेटिंग करेंगे, उसके लिए देखना पड़ेगा कि पाइपलाइन का रेटिंग करेंगे तो फिटिंग सेट बराबर है कि नहीं है, उसका हॉस डैमेज नहीं है वो सब गैस लीक हो रहा है चेक करना है, प्रॉपर देखना है क्लीन है वो सब देख के काम स्टार्ट करना है। ठीक है वो क्या बोले समझ में गए, समझ में आया तो अभी बताओ कल दिन भर आप काम किए थे कि नहीं, तो कल का काम में आपको क्या दिक्कत हुई थी ये बताओ मेरे को। अच्छा से काम किया आराम से किया, कल का काम में कोई दिक्कत नहीं हुई थी है ना, अगर कोई दिक्कत होती थी तो हम लोग यहाँ पे आज काम के लिए नहीं आते थे, सही है झूठे सही है सही है। तो अभी मेरे को बताओ आप लोग काम करने के लिए आ जाए, अभी आपका सुपरवाइजर नहीं है मान लो कुछ आपातकालीन हो जाती तो हम किसको बताना है, किसको मेरे को, मेरा नंबर आपको मालूम नहीं, यहाँ से मेरे को ऑफिस तक आने में 5 मिनट लग जाएगी आपको, सही है झूठ है बोलो, सही है सर। तो यही होता जो अंतर हो ना यही होता, तो आप क्या करना है जब भी काम कर रहे तो सबसे पहला तो हमको जानकारी लो काम में लो, काम आपका काम क्या है सही है नहीं, जब काम पता चला तो अपना आप उसमें क्या खतरा है हमको मालूम हो जाता, 90% तो हमको पता चली जाता है ना, 10% है कुछ जानकारी देना पड़ता, सबको एक्सपीरियंस है काफ़ी दिन से काम कर रहे हैं सही है झूठे है? सही है झूठ है तो बोलो मेरे को कोई इशू नहीं है ना। तो जानकारी कैसे आती है, कोई देना पड़ेगा कोई बताना पड़ेगा या काम करने से आती है? काम करने जाता है। हाँ क्या प्रॉब्लम है उसमें क्या सही है? तो दो चीज़ होता, एक चीज़ है ना कोई दुर्घटना एक घटे होगा हम देखे होगा उससे सीखेंगे, अरे यार ये ऐसा किया था ऊंचाई पे जा रहा था वो था ये था जो भी है, दूसरा कैसा सीखोगे, कोई जानकारी वाला कोई एक्सपीरियंस काफ़ी दिन से कर रहा है वो बताएंगे, एक तो एक्सीडेंट में से सीखेंगे दुर्घटना होने के बाद सीखेंगे, एक तो कोई बताएंगे जानकारी है, लेकिन सबसे पहला जानकारी लेना किसके लिए अच्छा है, आप लोग के लिए। अभी मान लो इतना दिन से आप काम कर रहे हैं, ये 4-10 दिन मेरे पास काम कर रहे हैं, मेरे पास काम किए थे आप अभी काम किए थे ठीक है, तो अंतर क्या था सर, अभी आप वीडियो बना रहे इससे पहला वीडियो बना नहीं थे ऐसा ऐसा कुछ नहीं ना। तो देखो हम एक चीज़ हमको पता है, गलत बोल के पता चलने से हम बताना सबसे पहली बात, क्यों बताना, हो सकता वो बंदे को वो बात जान काम के बारे में जानकारी नहीं ठीक है। तो अभी आपका सुपरवाइज़र जो है ये बोल के सुपरवाइज़र आपको पता होना साइट में, मेरे तो मान लो यहाँ 4 आदमी है कोई दिक्कत नहीं यार, 40 आदमी में 400 आदमी में काम करेंगे तो कैसा पता चल रहा, वो कम्युनिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। मान लो मैं कंपनी गेट में आपका मोबाइल ले लिया, कम्युनिकेशन कैसा करोगे मेरे को, तो वो हेल्पलाइन है आसपास में एक जगह में कंपलसरी होता, चाहे स्टोर में जाओ आप तुरंत चाहे इधर जाओ नंबर है फटाक से 3-6 मार दोगे ऑफिस में आ जाएगी, ऐसा कोई एक इमरजेंसी नंबर होता वो आप मालूम करना आपकी जिम्मेदारी है मेरी नहीं ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेने के काम करो, कोई भी दिक्कत हो इमीडिएट बताओ, बताओगे नहीं तो सीखोगे नहीं, सीखोगे नहीं
तो दुर्घटनाएं घटते रहेगी। हाँ सर, है ना, तो ऐसे दुर्घटनाएं नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं।